आज हम आपके लिए आलू की एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो भी खाएगा चिकन और मटन खाना भूल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ज़बरदस्त सी मसालेदार आलू की भुजिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मसालेदार आलू की भुजिया बन के तैयार हो गई है। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही जबरदस्त सी आलू भुजिया की रेसिपी शुरू करते हैं। यकीन माने ये ऐसी आलू की भुजिया बनती है, आपको मजा आ जाएगा। कभी कभार मैं बनाता हूँ अपने लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो जब भी मैं आलू की भुजिया बनाता हूँ, 1 किलो आलू की बनाता हूँ, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती है, तो सब दोस्तों को देनी पड़ती है। प्रेशर कुकर मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे, शामिल कर देंगे साबुत मिक्स गर्म मसाले, 1 कप शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, साथ में इसके शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे, उनको स्लाइस में काट लिया। ये 4 टेबल स्पून कुटी हुई अदरक और 2 गट्ठी लहसुन की साबती। अब आपने हाई फ्लेम के ऊपर ये सारे मसाले को गोल्डन करना है। बहुत मजे की ये आलू भुजिया बनती है, जरूर बनाइएगा। चावलों के साथ और सुबह पराठे के साथ बहुत मजे की लगती है। सारे मसाले को हमने लाइट सा गोल्डन कर लिया है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे मसाले। 1 टेबल स्पून लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा लिया मोटा मोटा कुटा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया और 1 टीस्पून लिया काली मिर्च का पाउडर। मिर्च मसाला आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। आलू की भुजिया को और मज़ेदार करने के लिए आपने लेनी है 3 बटन चिली छोटी वाली और 2 टेबलस्पून लेना है आपने सूखा धनिया। इनको ब्लेंडर के अंदर डालना है और इसका दरदरा सा आपने पाउडर तैयार कर लेना है इस तरह का। ये देखिए बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आएगा, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 कप शामिल करेंगे इसके अंदर दही। फिटी हुई दही इसके अंदर मैंने शामिल की है 1 कप। देखा आपने कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है इसके अंदर, जो हमने कश्मीरी मिर्चें शामिल की हैं उसकी वजह से। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 किलो आलू स्लाइस में कटे हुए। आलूओं को अच्छी तरह आपने मसाले के अंदर मिक्स करना है। 3 मैंने बड़े साइज के टमाटर लिए थे, इनको 3-3 टुकड़ों में मैंने काट लिया है। इस तरह आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। इसके अंदर कोई पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, दही अपना भी पानी छोड़ेगा और आलू भी अपना पानी छोड़ेंगे, उसी के अंदर ये बिल्कुल गल जाएंगे। और साथ में शामिल कर देंगे 7 से 8 अदद हरी मिर्चें साबुत। अब आपने क्या करना है कि अब आपने स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। मैं इसको प्रेशर नहीं लगा रहा, सिर्फ आपने स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर करना है 10 मिनट के लिए। प्रेशर नहीं लगाना, प्रेशर से पूरे आलू मैशी मैशी हो जाएंगे, वो आपको मजा नहीं आएगा। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया, तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के लिए हमने आलूओं को टमाटर शामिल करके कवर कर दिया था। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अब आपने टमाटर का छिलका निकाल देना है इस तरह। करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस, मिक्स करते हैं इसको। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया मैंने। फिर से आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। आलू भी कुक नहीं हुए, आलू भी कच्चे हैं, 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये हो जाएंगे कुक। इसलिए कवर किया था क्योंकि टमाटर का हमने छिलका निकालना था। अब टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू भी बिल्कुल गल जाएंगे। स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कवर करना है, पानी वगैरह इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है।
10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए मैंने दोबारा से इसको कवर कर दिया था। आलू भी हमारे बिल्कुल गल गए हैं और टमाटर भी बिल्कुल घुल गए हैं इसके अंदर। बटर, ये आधा कप बटर है। धनिया शामिल कर देंगे और बस आपने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है हाई फ्लेम के ऊपर। बटर शामिल करके हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 2 से 3 मिनट भून लिया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मसालेदार आलू की भुजिया बनके तैयार हो गई है। आप इसकी फ्लेम बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने धनिया मचा के रखा हुआ था, ये ऊपर इसको शामिल कर देंगे। ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चावलों के साथ, सुबह परांठे के साथ बहुत ही मज़े की ये आलू भुजिया लगती है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें। आप इस तरह भी मसालेदार आलू की भुजिया को चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, मैंने आपको सर्व करके दिखाया है। चावलों के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है।